सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, की हाल चाल आ। अज आपां काफ़ी दिनों बाद वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं। दो वीडियो पहले मैं यूट्यूब वैसे पाईआं सी, बट वो थोड़ियां पुरानियां सी, बट थोड़ा बिजी होने कारण आपां वीडियो वगैरह नहीं पा सके। तो अज IPL का बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा, जिहदे विच मुंबई इंडियन जो कि IPL दे विच मेरी फेवरेट टीम आ, ते पांच बार दी चैंपियन आ, IPL चैंपियन। रोहित शर्मा की कैप्टनसी विच मुंबई इंडियन ने इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। 9 मैचों दे विच तकरीबन 8 मैच लगातार हारी, एक मैच विन किया, लास्ट मैच जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाफ विन किया। जो हुण तक दा सिनेरियो रहा उहदे विच आल परफॉर्मेंस देखते हुए गुजरात टाइटन दे नाल अज मुंबई इंडियन दा मैच है, ते गुजरात टाइटन ने पहली बार इस IPL दे विच शिरकत की है, ते वधिया प्रदर्शन दिखाते हुए तकरीबन अपने 2 मैच लूज किए हैं, ते बहुत ही वधिया इस टाइम अपने जो भी ग्रुप लैवल आ उहदे विच सारे नूं उपर टॉप ते जा रही है। तो देखते हैं अज का मैच दोनों टीमों वास्ते काफ़ी क्रूशल होएगा। गुजरात लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट आ, क्योंकि गुजरात ने इस बार फस्ट टाइम खेलते हुए बहुत बढ़िया लगातार मैच मुकाबले जीते हैं, तो काफ़ी टफ मुकाबले टफ टीमों के खिलाफ विन किए हैं। तो अज का मैच जोड़ा और देखते हैं मुंबई इंडियन का सफ़र गां चलेगा या नहीं चलेगा, डिपेंड करता इस मैच पर, क्योंकि मुंबई इंडियन ने लगातार 8 मैच गवाने तो बाद हुण जिहड़े बाकी दे मैच जिहड़े बचे आ तकरीबन एक एक मैच हर एक टीम के खिलाफ उन्हां दा रह गया आ, तो सारे मैच इन्हां नूं विन करने पैणगे तां ही कोई चांसिस हैगा भी इह गां दे प्लेऑफ दे विच जांदे आ जां नहीं जांदे। बट मैगा ऑक्शन दे विच सारीआं टीमां ने काफ़ी प्लेयरां नूं नवें प्लेयरां नूं मौका मिलिया, यंग प्लेयर जिहड़े उन्हां नूं मौका मिलिया, ते मुंबई इंडियन दे विचों ही काफ़ी प्लेयर जिहड़े टुट के गुजरात टाइटन दे विच गए आ, जां होर काफ़ी टीमां दे विच प्लेयर गए आ, जिदा हार्दिक पांड्या हो गया जां कुणाल पांड्या हो गया। एक बहुत वधिया टीम वर्क सी सारी टीम दा, ते 5 बार विनर हो गई आ रोहित शर्मा दी कप्तानी विच। बट हुण टीम थोड़ी बिखर गई आ, यंग प्लेयर जिन्ने आए आ, एक कॉम्बीनेशन कोई भी टीम दे विच तुसीं जिन्नी मर्जी वधिया टीम होवे जो यंग प्लेयर आता तो उन्हों टीम के अपने आप को स्टैबलिश करने बहुत टाइम लगता। तो आस करते हैं भी इस बार मुंबई इंडियन चलो जो प्लेऑफ च नहीं जाती तो इस सीजन के थोड़े होर मैच 4-5 मैच होर विन करके ते एक ग्रुप लैवल अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए थोड़ा उपर जाए अप जाए। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी तो आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते क्योंकि एक बर्डन हों इंडियन टीम के तिने फॉर्मेट की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो IPL के भी लगातार 5 सीजन विनर रहे हैं, तो हो जाता प्लेयर है टीम के टीम वर्क वा, एक प्लेयर तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। बट हुण तक का प्रदर्शन जो भी है बहुत निराशाजनक रहा, तो मुंबई इंडियन ने थोड़ी जी प्लेयर की जी चॉइस आ जी चूज करने के थोड़ी मतलब गलती कर रही है, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर जोड़े आ मुंबई इंडियन का हिस्सा हो सकते ही, बट इन्ह ने ईशान किशन से काफ़ी पैसा लगा के तो खरीदया, बट ईशान किशन का प्रदर्शन इस बार बहुत ही निराशाजनक रहा। तो कैरन पॉलर्ड की भी कोई भी इनिंग कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं सी, तो होर बॉलिंग भी तकरीबन बुमराह मतलब तकरीबन इस IPL इस तरह महसूस हो रहा भी कला ही जो पै गया था, क्योंकि बुमराह की बॉलिंग एक बॉलर से डिपेंड होकर कोई भी मैच या कोई सीजन नहीं विन कर सकते। नो डाउट भी बुमराह दुनिया का बहुत ही बेहतरीन तो वधिया बॉलर आ, बट एक बॉलर से तुम नहीं डिपेंड कर सकते। तो आस करते हैं भी मुंबई इंडियन, वैसे तो युवराज चन्नू भी मुंबई इंडियन ने लिया है, बट इस बार वो नहीं टीम दसता क्योंकि उन्होंने थोड़ी कोई सट वगैरह सी वो करके, तो अगले सीजन के जोड़ा होएगा 2023 युवराज जोड़ा टीम का हिस्सा होगा। तो आप आस करते हैं भी अज का मैच जोड़ा आ मुंबई इंडियन विन करे,
ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਰੀਓ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੈਚ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਆ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਭੱਗੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।